मैं पेड़ हूँ। मेरी और अंश की एक ही कहानी है। हम दोनों जीवन का महत्व समझ गए हैं, क्योंकि हम दोनों उस पीढ़ा से गुजर रहे हैं जिससे एक दिन पूरी दुनिया गुजरेगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती, तब तक कोई उसका दर्द नहीं समझता। और अगर सब उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं यह बता दूं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं। मेरा बेटा बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा, सारे बेड्स पे। डॉक्टर प्लीज आप मेरी हेल्प करें। डॉक्टर प्लीज, मैं आप सामने हाथ जोड़ दूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी पूरे हॉस्पिटल में सारे बेड्स फुल हैं, तो इस बार हम आपके बेटे को एडमिट नहीं कर सकते अभी। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, आप ये प्लीज़ अपने बेटे को दीजिए। देखो बेटा, मुझे मेडिसिन मिल गई, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। काश हम इतने लापरवाह ना होते, काश हमने ये पहले सोचा होता। अंश, अंश कहाँ तुम? अंश जल्दी आओ, अंश, अंश। आज हम प्रकृति का उपयोग करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि प्रकृति का शोषण अपने आराम के लिए करते हैं। वनों की कटाई इस शोषण का एक ट्रेंडिंग उदाहरण है। इसके प्रभाव से कोई अज्ञात नहीं है, पशु से लेकर पक्षी तक सभी पीड़ित हैं। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में पड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम इन सबकी परवाह करते हैं? शायद नहीं। जिस दर से हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जिस दिन अमेज़न नया सहारा रेगिस्तान बनेगा। दुनिया ने 5 वैश्विक विलुप्ति का सामना किया है, और हमारे कर्म हमें 6ठे स्थान पर ले जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इससे हमें यह समझ में आता है कि हम सब एक हैं, और अगर किसी एक पर भी गुजरती है तो हम सबको सतर्क होकर उसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि समस्या को तब तक ना समझना जब तक उसे भुगतते नहीं कि मानवीय प्रवृत्ति एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगी। तो कृपया जागो, उठो, क्योंकि यह पृथ्वी आप सभी का घर है, इसे कभी नष्ट ना भूलें। तुझ मेरा वाणी मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है।